हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक और नया वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मार्शल आर्ट्स के बेसिक किक्स की सीरीज की शुरुआत। और इस किक्स की सीरीज की शुरुआत में हम लोग आज करेंगे मार्शल आर्ट में सबसे पहले सीखने वाला और सेल्फ डिफेंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला किक, जिसका नाम है फ्रंट किक। नमस्कार, मैं हूं मास्टर शिवराज गलती और मैं हूं हेमा राणा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम्ब्रॉयड मार्शल आर्ट्स। फ्रंट किक के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस। उसके लिए आपको इस तरीके से दीवार का सपोर्ट लेना है और एक हाथ दीवार पे रखेंगे, दूसरे हाथ कमर पे और एक पैर आगे रखेंगे। और आपने क्या करना है, नी ऊपर उठाना है और नी को रेज करना है, यानी ऊपर नीचे अप एंड डाउन इसको लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। ये अप एंड डाउन कोशिश करेंगे, मैक्सिमम हाइट तक जाए, लेकिन नीचे आपको ज्यादा नीचे नहीं लेके जाना है। तो इस तरीके से आप लोग नी रेज करेंगे अराउंड 22-25 टाइम्स राइट लेग से, और लेग चेंज करके सेम आपको दूसरी तरफ भी करना है और इसको रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आप चलते हैं अगले स्टेज की तरफ। बेसिक एक्सरसाइज के बाद अब आप लोग फ्लोर पे प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमें किक्स को एग्जैक्टली किस तरीके से उठाना है और हमारे पैर का कौन सा हिस्सा हम लोग मारेंगे, किस तरीके से हमें किक को वापस लेके आना है, ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं उसके बेसिक्स को एक एक ब्रेक में ध्यान से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये बेटर होता है कि कभी भी आप कोई भी किक प्रैक्टिस कर रहे हो उसको पहले अच्छे से ग्राउंड में बैठ के एक एक टेक्निक को ठीक करें, उसके बाद आप टारगेट पे हिट करें या फिर हाउ में प्रैक्टिस करें। सो फ्रंट किक के लिए हम लोग सबसे पहले जमीन पे इस तरीके से बैठेंगे, दोनों हाथों को पीछे करके, और जब हाथ पीछे है अपने फिंगर्स को बैक साइड की तरफ पॉइंट करें ताकि आपके रिस्ट पे प्रेशर ना आए। और पैरों को इस तरीके से रखना है, बहुत क्लोज न रखें, बहुत दूर न रखें, इस तरीके से खोल के सामने रखेंगे थोड़ा सा गैप, और बैक को स्ट्रेट एंड रिलैक्स रखना है। सो ये आपका पैरों का पोजीशन रहेगा। तो चलिए फ्लोर पे इस तरीके से अपना पोजीशन सेट करने के बाद अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फ्रंट किक की। लेकिन दोस्तों, मार्शल आर्ट में किसी भी किक्स को प्रैक्टिस करने के लिए हमें तीन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। वो है सबसे पहला नी फोल्ड, यानी कि किक मारने से पहले नी को इस तरीके से फोल्ड करके उठाना है। सेकेंड स्ट्राइक, यानी कि किक को हिट करना है, उसके बाद किक को कंट्रोल में लेके आना है इस तरीके से। यानी तीन चीजें, नी फोल्ड, स्ट्राइक एंड कंट्रोल। एक बार फिर से देखिए, नी फोल्ड, घुटने को ऊपर उठाना है, उसके बाद स्ट्राइक, किक मारेंगे एंड उसके बाद कंट्रोल, अपने पैर को कंट्रोल में लेके आना है, उसके बाद नीचे रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट किक की। फ्रंट किक में हम लोग दो ही पार्ट यूज करते हैं अपने पैर के, और वो है एक इन स्टेप और दूसरा है बॉल ऑफ द फुट। यानी कि इन स्टेप अपने पैर का ये ऊपर वाला हिस्सा, अपने टो को आगे की तरफ स्ट्रेच करके जो लेसेस बांधते हैं वो वाला पार्ट हम लोग मारते हैं। मोस्टली ये पार्ट हम लोग सेल्फ डिफेंस में ग्रोइंग अटैक के लिए यूज करते हैं। एंड सेकेंड है बॉल ऑफ द फुट, यानी कि अपने उंगलियों को ऊपर उठा करके जो उंगलियों से नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बॉल ऑफ द फुट बोलते हैं, ये वाला पार्ट। सो ये दो पार्ट हम यूज करते हैं फ्रंट किक के लिए। तो चलिए अब हम लोग फ्रंट किक की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इस तरीके से आपने आपको फ्लोर पे अच्छे से पोजिशन में रख ले, उसके बाद आपने क्या करना है, बारी बारी से पहले जैसे मैंने बोला फोल्ड, नी ऊपर उठाना है मैक्सिमम, हल्का सा जब आप नी ऊपर उठाएं बॉडी वेट पीछे जाएगा तो एल्बोस थोड़ी सी बेंड रखें ताकि आपके एल्बो में प्रेशर ना आए, उसके बाद किक मारना है। अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं आप बॉल ऑफ द फुट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए आपको एंकल को पूरा सीधा करके आगे की तरफ लेके जाना और उंगलियां ऊपर करके अपना बॉल ऑफ द फुट यूज करेंगे, और फिर वापस कंट्रोल एंड डाउन। एक बार फिर से देखिए, फिर से पहले नी अप, किक, जब आप एक किक कर रहे हो आपने कोशिश करना है अपना नी जितना हो सकता है उतना स्ट्रेट करें, पूरा खोलने की कोशिश करना है, और उसके बाद फिर कंट्रोल, और
वापस। इसी तरीके से आप दोनों लेग्स पे बराबर प्रैक्टिस कर रहा हूं 25 टू 30 किक्स राइट लेग से और 25 टू 30 किक्स लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जब आपके यहाँ पे फ्लोर पे आपको टेक्निक अच्छे से समझ में आ जाए, किस तरीके से पैर उठाना है, कैसे मारना है और कैसे अपने पैर को कंट्रोल में लेके आना है, इसके बाद आप खड़े होकर के हवा में या फिर टारगेट में किक प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो दोस्तों फ्रंट किक को भी बहुत सारे तरीकों से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में हम लोग दो ही टेक्निक्स यूज करेंगे, यानी कि एक आगे वाले पैर से और दूसरा पीछे वाले पैर से। सो फ्रंट लेग यानी कि आगे वाले पैर से किस तरीके से करेंगे, एक पैर आगे रखना है, कोई भी फ्रंट स्टांस बनाना है जो कि एक नेचुरल वॉकिंग स्टांस होगा, और फ्रंट लेग से किक मारते हुए फिर से आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि नी लिफ्ट करना, किक करना और वापस कंट्रोल लेना। ध्यान से देखिए, स्लो करके देखेंगे, नी अप, किक एंड कंट्रोल। तो ये तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए, ये 1, 2 एंड 3, एक बार फिर से फास्ट, ये किक एंड वापस, अगेन किक एंड वापस। तो ये तो था हमारा फ्रंट लेग फ्रंट किक। अब बैक लेग से इसको करेंगे किस तरीके से, पहले हल्का सा बॉडी वेट आगे शिफ्ट करना है और नी उठाएंगे एंड किक और फिर वापस। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग फ्रंट लेग से भी और बैक लेग से भी फ्रंट किक के प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरफ से। अगर राइट लेग आगे रखा आपने, राइट से 20 करेंगे और लेफ्ट से 20 करेंगे, फिर से लेग चेंज करेंगे, अगेन राइट लेफ्ट से 20 और राइट से 20, इस तरीके से आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं अब इस किक को टारगेट में किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आगे की वीडियोस साथ के साथ मिलती रहे। थैंक यू।